लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर बालाघाट सिवनी जिले की सीमा में स्थित ग्राम पंचायत भांडामुरी के किसानों के द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की झूठी घोषणाओं से आहत होकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया गया था और किसानों के इस लड़ाई को देखते हुए गांव के समस्त ग्रामीणों का भी समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ था कि पूरे ग्राम के लोग 19 अप्रैल को होने वाले लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने वोटों की आहुति नहीं डालेंगे। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत भांडामुरी के समस्त ग्रामीण व किसान चुनाव के 3-4 दिन पूर्व तक 100% चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे, परंतु प्रशासन का दबाव का या फिर राजनीतिक पार्टी का दबाव, कुछ ग्रामीण जनों के द्वारा 19 अप्रैल को मतदान करने की बात कह रहे हैं, किंतु अधिकांश किसान धान के 3100 रुपये समर्थन मूल्य नहीं मिलने से नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखना यह होगा कि 19 अप्रैल को इस लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर किसान व ग्रामीण मतदान करते या फिर चुनाव का बहिष्कार करते हैं। पद्मेश 24/7 की जब टीम 18 अप्रैल को ग्राम भांडामुरी पहुंचकर किसान व ग्रामीणजनों से उन्होंने चर्चा की तो अधिकांश किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में धान का 3100 रुपये और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की बात कही थी, परंतु घोषणा को पूरा नहीं किया गया, इसलिए भांडामुरी के अधिकांश किसान चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं कुछ किसानों व ग्रामीणों का कहना है कि गत दिवस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट आए थे तो उस समय उन्होंने घोषणा की कि जून में आने वाले बजट में किसानों को धान का 3100 रुपये व गेहूँ का 2700 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात कही है और शासन की अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल रहा है, इसलिए वे लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति भी डालेंगे और मतदान करेंगे। जी देखिए, हमने पूर्व में गांव के सभी लोगों की सहमति जो हुई थी और उसमें ये सहमति हुई थी कि हमें सब लोगों को मिलकर किसानों के प्रति ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो घोषणा करी थी 3100 रुपये धान का मूल्य देने का और 2700 रुपये गेहूँ का मूल्य देने का, और वो आज एक वादा खिलाफी के रूप में सामने आया है और अभी तक कुछ भी हमें पैसा नहीं मिला है, मात्र समर्थन मूल्य 2183 रुपये मिला है और अभी तक उस बकाया जो 917 रुपये जो राशि बचत की राशि उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इसको लेके हम लोगों ने फैसला लिया था कि हम लोग सभी लोग ग्रामीण मिलकर विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे चुनाव का, लेकिन अभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि हम जून में देंगे, लेकिन काफ़ी लोग उसमें भी भ्रमित हैं क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में यह बात नहीं कही है कि हम पूरा 917 रुपये का हम भुगतान करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जैसा हमने गेहूं का 127 रुपये दिया वैसा ही हम आगामी बजट में जून में हम धान का भी पैसा देंगे, यदि वो 917 रुपये की घोषणा पूरी तरीके से कर देते तो हम लोग भी चुनाव का बहिष्कार को हम खत्म कर देते, लेकिन कुछ लोग भ्रमित हैं और हमें ऐसा जानकारी मिली कि कुछ लोग मतदान करना चाहते हैं, तो ठीक है वो लोग मतदान करें, लेकिन हम तब तक मतदान के प्रति मतदान नहीं करेंगे। सही, इसमें किसान मतदान नहीं करने वाले हैं? जी, इसमें मैं अधिकांश किसान ही हैं, गांव के लगभग 95% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और अधिकांश लोग मतदान, हमारे गांव में बहुत कम लोग आए क्योंकि हमारे गांव के किसानों ने तहसील ऑफिस में जाकर जो ज्ञापन दिए थे चुनाव का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कह के, इस कारण यहाँ प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियाँ अचानक आई और नहीं तो यहाँ किसी भी पार्टी की नुक्कड़ सभा वगैरह कुछ नहीं, बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। जैसे अब कल मतदान होना है तो क्या है, लोगों में रुझान के मतदान करने चाह रहे हैं? हमारे ग्राम में जो किसान हैं और मजदूर साथी हैं तो मेरा ख्याल है कि मजदूर तो वोट करेगा, परंतु जो किसान है लगभग यहाँ का जो किसान है वो वोट करने के पक्ष में नहीं है, परंतु कुछ किसान जो है कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं और उनको उनके पार्टी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, इसलिए वो लोग मतदान करेंगे। हम लोग किसी को नहीं रोक रहे हैं, फिर भी जो शुद्ध किसान हैं वह चुनाव का बहिष्कार ही कर रहे हैं। किस मांग को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं आप? भैया, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा हुआ था तो विधानसभा के समय धान का रेट 2100 समर्थन मूल्य के लिए बोला गया था, गेहूं का रेट 2700 रुपये बोला गया था, परंतु आज दिनांक तक किसी भी किसान को 2100 रुपये के भाव से और गेहूँ 2700 के भाव से समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं हुई, इसलिए हम सब किसान लोग लोकसभा चुनाव में वोट देने का बहिष्कार कर रहे हैं। अब अभी फिलहाल तो भावना ऐसी लगभग तय है कि मतदान नहीं करेंगे, पर कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम मतदान करेंगे, तो मतदान करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। और इस दौरान में लगभग हमारे यहाँ तहसीलदार साहब भी आए थे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी साहब भी आए थे,
उनने भी जो गाइडलाइन थी निर्वाचन की वो सब समझा के गए हैं। किसी को मत डालने से रोक नहीं सकते हम, और जो मत डालना चाहता है तो डाल भी सकता है, पर गांव का जो विरोध हुआ था उस हिसाब से गांव के लोग बोल रहे हैं कि हम मतदान नहीं करेंगे। अब देखो कहां तक के क्या लग रहा है, कितना प्रतिशत मतदान हो पाएगा? अभी तो भैया ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि कितना प्रतिशत होगा। सर टीम आ गई क्या आपके यहाँ दल? हाँ टीम तो आ गई है, दोनों बूथ की टीम आ गई, और लगभग हमको जो आदेश थे उस आदेश के हिसाब से हमने पूरी तैयारियाँ कर दी हैं। आप करेंगे या नहीं? मैं करेंगे, आप भी एक किसान हैं। भैया हम तो पहले किसान हैं, बाद में सरपंच पति और सरपंच बने हैं, तो गांव के रुझान के साथ में तो हमको भी रहेंगे। सब मतदान कर तैयार हैं, मतदान करने को तैयार हैं, वोटर्सों से हमारा लगभग संपर्क भी जारी है। जी जी, हर वोटर्स कह रहा है कि हम मत डालेंगे। अच्छा उस समय जो बैठक हुई उसमें आप भी शामिल हुए थे क्या? नहीं था, नहीं था, उनके उसमें समर्थन नहीं है आपका? नहीं। अच्छा क्या निर्णय था उन लोगों का? क्या उनका निर्णय वही था, सिर्फ धान के बोनस को लेके कि हमको धान का 917 रुपए बोनस नहीं डालने से उनका भी इसका चलता जी। पर उस समय मोहन यादव जी ने अपने बालाघाट में बात रखे थे, अपने केंद्रीय मंत्री ने भी बात रखे थे कि जीरो में हम इसका बजट पास करेंगे और किसानों के खाते में। अच्छा कल वो मतदान है तो कल मतदान करोगे कि नहीं? करेंगे। जैसे आपके गांव में किसान लोगों ने अभी बीच में ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि भैया धान का समर्थन 3100 रुपये नहीं मिला है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप डाल रहे हैं? नहीं हम वोट डालेंगे, हमारा तो सोसाइटी में धान जाता है ना कुछ करता। आप मजदूर हैं? हम मजदूर हैं। मजदूर है, अरे मजदूर का वोट डालेगा? हाँ हम तो डालेंगे। डालेंगे और लोग भी डालने वाले हैं क्या? हाँ हमारा पूरा परिवार डालेगा। डालेंगे हम मतदान करेंगे। किस मांग को लेकर लोगों का ये आक्रोश दिख रहा था यहाँ पे? लोगों का ये कहना है कि भी मतलब हम लोग किसान को जो है 3100 रुपए की जो घोषणा हुई थी जी जी, तो इसलिए वो हमको मूल्य राशि नहीं मिली, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो हमने बोले कि भाई यहाँ तो सभी किसान है ना अपने मध्य प्रदेश में, अगर सभी किसान अपना व्यक्तिगत विचार कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ है तो हम तुम्हारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम भांडामूरी से थोड़ी हो जाएगा कि भांडामूरी किसान अगर मान लो बहिष्कार करे तो इससे थोड़ी हो जाएगा। नहीं वो तो एक कहीं एक जगह से शुरुआत करनी पड़ती है, तो आपके गांव से किए, पर जैसे आप क्यों करना चाह रहे हैं, क्या है आपका? क्या भाई हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं आप मतदान क्यों करना चाहते हैं? क्यों नहीं करेंगे मतदान, हमारा व्यक्तिगत विचार है जी जी, हमारा व्यक्तिगत मतदान करने का विचार है, व्यक्तिगत मतदान करेंगे। शासन की अन्य योजनाओं का भी लाभ लिए होंगे आपने? बिल्कुल लिए। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? ये मकान दिया जी, किसान निधि का पैसा मिला, लाडली बहने का पैसा मिल रहा है, हमारे को पेंशन मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं देंगे? और क्या चाहते हैं? धान का समर्थन मूल्य बढ़े ये नहीं चाहते आप? बढ़ेगा, घोषणा किया बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी ने बोला है बिल्कुल देगा, लेकिन हम धीरज रखें किसान, ऐसा तो है नहीं हम घर का मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो उसको पूरे मध्य प्रदेश का मेंटेनेंस करना पड़ता। बजट बनेगा, हमने घोषणा किया है, बालाघाट भी हम लोग गए थे, 10-12 लोग भैया लोग भी थे, भैया लोग भी थे। नहीं जैसे आपके गांव के लोगों तो बहिष्कार करने की तो वो तो छोड़ो, वो तो नेतागिरी वाले हैं, वो आज ना इधर है ना उधर है, इतना आ जाएगा तो मतलब वो उनके मुंह बंद हो जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपके गांव में लोग मतदान करने के लिए इच्छुक हैं? इच्छुक है, जो इच्छुक है वो जो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता, और कोई नहीं जाएगा उसको हम ले जाएंगे। फिर भी कितना परसेंट मतदान हो सकता है आपके गाँव में? मैं ये कुछ नहीं बता, आप नहीं बताऊंगा, व्यक्तिगत बताऊंगा। अरे आपका परिवार मतदान करेगा कल? हाँ मेरा परिवार मतदान करेगा। कल वो मतदान है तो कल मतदान करोगे कि नहीं? करेंगे। जैसे आपके गांव में किसान लोगों ने अभी बीच में ग्रामीणों ने निर्णय लिया था कि भैया धान का समर्थन 3100 रुपए नहीं मिला है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, तो फिर कैसे आप डाल रहे हैं? नहीं हम वोट डालेंगे, हमारा तो सोसाइटी में धान जाता है ना कुछ करता। आप मजदूर हैं? हम मजदूर हैं। मजदूर है, अरे मजदूर का वोट डालेगा? हम तो डालेंगे। डालेंगे और लोग भी डालने वाले हैं? हाँ हमारा पूरा परिवार डालेगा। डालेगा। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या आपको कौन सा लाभ मिल रहा है ये वाली सरकार से? अरे हमको लाभ क्या, 2000 दे रहा है मोदी, फ्री राशन दे रहा है। 2000 किसान सम्मान निधि की मिल रही है आपको? अरे आप भी किसान है? 5 करोड़ की है हमारी जी जी, पर हम सोसाइटी का लेन देन नहीं करते हैं, छोटे किसान है अपन। छोटे किसान है। चलो मतदान करेंगे आप कल? मतदान करेंगे।